नमस्कार बच्चों, इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा तीसरी का विषय परिसर अध्ययन पाठ 7 हमारा गांव हमारा शहर इसका अध्ययन करेंगे। इस चित्र को ध्यान से देखिए। हमारा गांव, इस चित्र में दिखाए गए गांव को ध्यान से देखिए। यहाँ पर घर किस तरह से है बने हुए, उसे ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ घर छोटे छोटे हैं और यहाँ के लोगों का वस्त्र देखिए। यहाँ के लोगों में स्त्रियों ने मुख्यतः साड़ी पहन रखा है और पुरुषों में पैजामा कुर्ता धोती कुर्ता इस तरह के वस्त्र पहने हुए हैं। यहाँ वाहन के रूप में देखिए हमें ट्रक दिखाई दे रहा है, मोटरसाइकिल दिखाई दे रहा है, बैलगाड़ी दिख रहा है हमें। फिर यहाँ पर उद्योग को ध्यान में रखिए। यहाँ पर जो भी उद्योग धंधे हमें दिख रहे हैं वो मुख्यतः कृषि पर आधारित रूप से दिखाई दे रहे हैं। जैसे देखिए खेत में जो फसल होती है और उस अनाज को ऐसा लग रहा है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाया जा रहा है। और सुविधाओं के रूप में यहाँ पर सुविधाएं शहर की अपेक्षा कुछ कम हैं, ये हमें दिख रहा है। अभी दूसरा चित्र ध्यान से देखिए, ये हमारे शहर का चित्र है। अब हम तुलना उसी तरह से करेंगे। यहाँ के लोगों का वस्त्र देखिए। यहाँ पर जो लोगों ने वस्त्र पहन रखे हैं वो आधुनिक किस्म के हैं। यहाँ पर घर देखिए आप, गाँव में छोटे छोटे घर थे, यहाँ पे बड़ी बड़ी इमारतें हैं। और वाहन के में भी थोड़ा सा परिवर्तन है। जैसे गांव में हमने बैलगाड़ी देखा था, शहर में बैलगाड़ी नहीं है, छोटी छोटी कार है, बड़ी बड़ी कार है, स्कूटर है, बड़े बड़े ट्रक हैं, ये सारे वाहन हमें शहर में दिखते हैं। उद्योग धंधे, यहाँ पर छोटे कारखाने हैं, बड़े कारखाने हैं। कच्चा माल गाँव से आता है और उस पर आधारित उद्योग धंधा यहाँ हमारे शहर में होता है। सुविधाएं गांव के अपेक्षा शहर में अत्यधिक है। यहाँ देखिए बच्चों को खेलने के लिए भी कितनी अच्छी सुविधा दिखाई गई है। और यहाँ पर सड़कें चौड़ी चौड़ी हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गांव के अपेक्षा शहरों में सुविधाएं बहुत अच्छी होती हैं। तो आगे चलिए, आगे आपको चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र को ध्यान से देखिए। इसमें से कौन कौन सी वस्तुएं खेत में उगती हैं और ये वस्तुएं हमें कहाँ मिलती हैं, और कुछ और भी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं। तो ये वस्तुएं कारखाने में तैयार होती हैं और फिर ये और कहाँ मिलती हैं, इन वस्तुओं की किस लिए आवश्यकता होती है, इन वस्तुओं को ग्राम तथा शहर भागों में पहुंचाने के लिए किन साधनों का उपयोग किया जाता है, ये सब हम देखेंगे। तो देखिए इसमें हमें सब्जी और फल दिखाया गया है। सब्जी और फल खेतों में होती है। फिर यहाँ देखिए छतरी है, साइकिल है और ये जैकेट है, ये कारखाने में तैयार होता है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जो भी यहाँ पर हमें चित्र दिखाया गया है, ये चित्र में दिखाए गए वस्तु गांव में होती है और बाकी ये चित्र जो दिखाए गए वस्तु है ये शहर में बनाए जाते हैं। आगे आप ध्यान से देखिए, गांव से शहर में कौन कौन सी वस्तुएं आती है इसे हम देखेंगे। गांव से शहर में आने वाली वस्तुएं जैसे अनाज, साग सब्जी, दूध इत्यादि हैं। शहर से गांव में आने वाली वस्तुएं जैसे साइकिलें, खिलौने, पुस्तकें, कपड़ा, औषधियां, मोटर कार, साबुन, कांच, इसके अलावा खेती के औजार, बल्ब इत्यादि वस्तुएं कारखाने में बनती हैं
और कारखाने मुख्यतः शहरों के पास होते हैं। गांव तथा शहर में रहने वाले लोग इन सभी वस्तुओं का उपयोग करते हैं। शहरी तथा ग्रामीण लोगों की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए परिवहन तथा संचार के साधनों की आवश्यकता होती है। उसमें देखिए, पहले गांव तथा शहर में बहुत अंतर था, अब यह अंतर धीरे धीरे कम हो रहा है। शहरों में पाई जाने वाली बहुत सी वस्तुएं धीरे धीरे हमें गांव में भी दिखाई देती है। तो आगे हम देखेंगे परिवहन के साधन। जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती गई, वैसे वैसे उसने परिवहन के नवीन साधनों के आविष्कार किए। पहले वह सामान लाने के लिए हाथी, चित्र में ध्यान से देखते रहिए किस तरह से हाथी का प्रयोग करते थे बोझा ढोने के लिए, सामान लाने के लिए। ध्यान से देखते रहिए आप, बैल, बैलगाड़ी, ऊंट, ऊंट से देखिए भूसा ढोते थे, और भी बहुत सारे वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाया जाता था। इसके अलावा घोड़ा, गधा, देखते रहिए ध्यान से, इन जैसे जानवरों का उपयोग किया जाता था। कालांतर में बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी जैसे साधन आ गए। जैसे जैसे मनुष्य ने विकास किया, वैसे वैसे उसके संचार परिवहन साधनों में भी विकास होते गया। फिर आविष्कार हुआ और रेलगाड़ी, जलयान, हवाई जहाज का आविष्कार हुआ। आगे चलकर विमान के आविष्कार के फलस्वरूप परिवहन शीघ्र गति से होने लगा। आगे देखिए, एक खाने में परिवहन के साधन दिया गया है और इस दूसरे खाने में ये किस पर चलते हैं उसका चित्र दिया गया है और हमें जोड़ियां लगाना है। जैसे आप ध्यान से देखिए, ये बैलगाड़ी है। बैलगाड़ी कहाँ पर चलती है? इस कच्चे सड़क पर। फिर देखिए, ये हमें क्या दिखाया गया है? नाव। ये कहाँ चलेगी? तो इस नदी में। फिर आगे देखिए, रेलगाड़ी। रेलगाड़ी किस पर चलती है? इस पटरी पे। फिर यहाँ देखिए, बस। बस किस पर चलती है? इस पक्की सड़क पर। और आगे देखिए, यहाँ पर दिखाया गया है हवाई जहाज। हवाई जहाज कहाँ चलता है, कहाँ उड़ती है? इस आसमान में। फिर आगे यहाँ पर और आगे देखिए, ट्रक दिखाया गया है हमें। ट्रक का कहाँ पर चलेगी? तो इस पक्की सड़क पर। तो इस तरह से हम जोड़ियाँ मिलाएंगे। आगे ध्यान से देखिए, हमें क्या बताया गया है? बृहन मुंबई का मानचित्र है। इस मानचित्र में हमें क्या क्या बताया गया है? इस मानचित्र में आप ये ध्यान से यहाँ पर देखिए, ये घारापुरी है, एलिफेंटा गुफा है। फिर और आगे ध्यान से देखिए, ये है छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा सांता क्रूज में। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ है वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान। यहाँ देखिए जुहू चौपाटी। तो इस तरह से इस मानचित्र में गुफाएं, किला, रेस कोर्स, प्रसिद्ध स्थान, कंदराएं, राष्ट्रीय उद्यान, हवाई अड्डा, ये सारी, इन सभी की जानकारी हमें इसमें दी गई है। मैंने कुछ बताया आप लोगों को, बाकी आप लोग थोड़ा थोड़ा अध्ययन करिएगा।
मैंने आपको छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा बताया था, वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो बोरीवली में है। तो इस तरह से आप इस मानचित्र का अभ्यास करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे इस चित्र को ध्यान से देखिए आप। इस चित्र में एक पूरा परिवार दिखाया गया है और परिवार के लोग किन किन संचार साधनों का उपयोग कर रहे हैं वो हमें बताया गया है। यहाँ देखिए दादाजी, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। यहाँ देखिए दादी जी बैठी हैं, टीवी देख रही हैं। यहाँ देखिए दीदी, दीदी संगणक पर बैठकर अपना कुछ देख रही हैं, अभ्यास कर रही हैं। और ये लड़का है म्यूज़िक प्लेयर पर म्यूज़िक सुन रहा है। पिताजी मोबाइल पर बातें कर रहे हैं। माँ यहाँ पर खड़ी है, पोस्टमैन है, पोस्टमैन पत्र लेकर आए हैं, माँ वह ले रही है। तो हम लोगों ने इसमें देखा कि प्राय पत्र, संगणक, मोबाइल फ़ोन, समाचार पत्र, टीवी, म्यूज़िक प्लेयर जैसी वस्तुओं का उपयोग किया गया है। इन सभी साधनों की जानकारी तथा संदेश प्राप्त करने या भेजने के लिए उपयोग किया जाता है। ये हमारे संचार के साधन हैं। समाचार पत्र, टीवी, संगणक, मोबाइल फ़ोन, पत्र। आगे हम बोली भाषा के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। महाराष्ट्र की राजभाषा मराठी है। मनुष्य भाषा की सहायता से परस्पर बातचीत करता है और अपने विचार दूसरों तक पहुंचाता है। एक ही भाषा विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग ढंग से बोली जाती है और प्रदेश के अनुसार उस भाषा के शब्दों के उच्चारण भी बदल जाते हैं। उस भाषा पर अन्य भाषाओं का भी प्रभाव पड़ता है। अन्य भाषाओं के शब्द हमारी भाषा में भी आते हैं और इस प्रकार विभिन्न प्रदेशों में एक ही भाषा की बोलियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। उदाहरण के रूप में हम देखेंगे मराठी भाषा की कुछ बोलियाँ, अहिराणी, मालवणी, वराड़ी। आगे ध्यान से देखिए, क्या तुम जानते हो? बहुत समय पहले संदेश भेजने का कोई उन्नत साधन नहीं था। उस समय विभिन्न विधियों से जानकारी भेजी जाती थी और उसके लिए कभी कभी प्रशिक्षित कबूतर का उपयोग किया जाता था। लिखा गया कागज या कपड़ा कबूतर के पैर में बांधकर संदेश भेजे जाते थे। इसे आप लोग सदैव ध्यान में रखो। वर्तमान समय में परिवहन तथा संचार साधनों का अत्यधिक विकास हुआ है, परंतु इन साधनों के अत्यधिक उपयोग के कारण प्रदूषण में भी वृद्धि हुई है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इन साधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग करना चाहिए। इस तरह से हमारा पाठ पूरा हुआ। आइए संक्षेप में हम देखते हैं हमने क्या सीखा। गांव तथा शहर का पारस्परिक संबंध, परिवहन तथा संचार के साधन को हमने देखा, परिवहन तथा संचार व्यवस्था की आवश्यकता को हमने देखा, हमारी तहसील तथा जिले की परिवहन व्यवस्था तथा प्रसिद्ध स्थल की जानकारी हमने प्राप्त की। तो इस तरह से हमारा पाठ पूरा हुआ। तो आप लोग पढ़ते रहिएगा, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।